अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों एक ऐसी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसके हाथ पर बांधने से अगर आपकी दाढ़ में किसी भी वजूहत के बिना पर दर्द हो रहा है तो इस बूटी को पीस कर आप अपने हाथ पर बांध लो, इंशाल्लाह आपकी दाढ़ का दर्द मौकूफ हो जाएगा, आपकी दाढ़ का दर्द बंद हो जाएगा। तो बस आखिर तक आप इस वीडियो को देखते रहे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि जो लोग बेचारे परेशान हैं उन तक ये नुस्खे पहुंचे, वो भी इनसे फायदे हासिल कर सकें। तो आज का बहुत ही जबरदस्त टोटका है, इतना जबरदस्त टोटका है जिन लोगों की दाढ़ों में दर्द अक्सर होता रहता है, ठीक है, और वो बेचारे कोई अंग्रेजी गोली या कुछ ना कुछ खाकर जो है अपनी दाढ़ के दर्द को कम करते हैं, वक्ती तौर पर कम हो जाता है लेकिन फिर परेशानी जो कि तो ही रहती है। तो एक ऐसी बूटी के बारे में बात करेंगे जो आपके घर के अंदर मौजूद है, हर घर के अंदर मौजूद होती है ये चीज, और बस उसको पीसना है। तो जैसी दाढ़ का दर्द शुरू हो उस पर अपने हाथ पर बांध लेना। तो वो कौन सी बूटी है, इसके लिए आपको लेना है दोस्तों लहसुन। लहसुन हर घर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो जैसी आपकी दाढ़ में दर्द हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लहसुन लेना है और लहसुन को आपको कूट लेना है, ठीक है। कूट कर जो है इसको अच्छी तरीके से कूट लें और कूटने के बाद इस लहसुन को जो है इसकी थोड़ी सी एक लुगदी सी बना लें, ठीक है। और जिस तरफ की आपकी दाढ़ में दर्द हो रहा है, यानी अगर सीधी तरफ की दाढ़ में दर्द हो रहा है तो आप अंगूठे और इस उंगली के दरमियान यहां, यानी यहां पर, ठीक है, इस जगह पर आप लहसुन को रखकर उसको अच्छी तरीके से बांध लें, ठीक है। अगर उल्टी दाढ़ की तरफ, अगर आपके उल्टी साइड में अगर दाढ़ में दर्द हो रहा है तो उल्टे हाथ के अंगूठे और उंगली के दरमियान जो है यहां पर लहसुन को रखकर उसको आप बांध लीजिएगा। आधे घंटे तक बंधा रहने दो, आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका दर्द रुक जाएगा। जबरदस्त टोटका है, आप इसको जरूर आजमाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें।